हेलो फ्रेंड्स मैं हूं अनुपमा चंद्रा और ये है डेली प्रिपरेशन वीडियो फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 इसमें हम रोज आपको तीन टॉपिक्स देते हैं जिस पर आपको नोट्स बनाने होते हैं और प्रीवियस डे के टॉपिक्स पर क्वेश्चंस देते हैं जो आपका होमवर्क होता है उस तरीके से आपको टॉपिक भी रिवाइज़ हो जाता है और आपके नोट्स बनते चलते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को पूरा देखिए तो आज मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले टॉपिक से तो हिस्ट्री में टॉपिक है चेंजेस फ्रॉम ऋग्वेदा टू लेटर वैदिक फेजेज इसके बारे में आप पूरे नोट्स बनाइए मैंने पूरी नोट मेकिंग टेक्निक अपने पहले की वीडियो में बता दी है तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख कर नोट मेकिंग टेक्निक जो सही तरीका है नोट बनाने का वो सीख सकते हैं और उसी मुताबिक ये नोट्स बनाइए तो आज का सेकेंड टॉपिक है इकनॉमिक्स का गवर्नमेंट स्टेप्स एंड प्रोग्राम्स फॉर सस्टेनेबल लैंड यूज़ या सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसमें आपको पूरे जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स अनाउंस किए हैं कब किए हैं उनका क्या परफॉर्मेंस रहा ये सब के आपको नोट्स बनाने हैं आज का थर्ड टॉपिक है पॉलिटी पे फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एंड स्वर्ण सिंह कमेटी तो इन दोनों चीज़ों पर फोर्टी सिक्स अमेंडमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है तो खूब डिटेल्ड नोट्स बनाइए और कल तक इन नोट्स को बनाकर रेडी रखिए तो अब हम आते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट पे यानी कि क्वेश्चन जो पहले दिए गए टॉपिक्स से रिलेटेड है सबसे पहले हिस्ट्री के क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन है कि वर्ण सिस्टम यह किस वैदिक टेक्स्ट में सबसे पहली बार डिस्कस किया गया था सेकेंड क्वेश्चन है गायत्री मंत्र को किस वेदिक टेक्स्ट ने बताया था या वो किस में पाया जाता है और तीसरा क्वेश्चन है अरंकास किसको कहते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल दीजिए कि वो किस टाइम पीरियड पे थे उनमें क्या होता था और किसको कहते हैं अरंकास तो ये तो हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन थे अब हम आते हैं इकोनॉमी के क्वेश्चन पे इकोनॉमी का हमारा टॉपिक था पहला टॉपिक पिछला सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे तो हम उसके से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन हैं सबसे पहले है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि संधारणीय विकास सबसे पहले कहाँ पे मेंशन किया गया था इस टर्म का ओरिजिन कैसे हुआ दूसरा है एजेंडा 21 क्या चीज़ है इसके क्या फीचर्स हैं इसको डिटेल में आप नोट्स बनाइए और तीसरा है पांच एग्जांपल्स दीजिए सस्टेनेबल कंजम्पशन के यानी कि सस्टेनेबल खपत के पांच आपको उदाहरण लिखने हैं अब हम आते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पर ये टॉपिक भी मैं पहले आपको लास्ट वीडियो में दे चुकी हूँ तो सबसे हमारा जो टॉपिक था वो था इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड यानी कि जो ज़्यादा महत्वपूर्ण जल संधि या जल संयोगी जिसको कहते हैं वो दुनिया भर के हमें पढ़ने थे नोट्स बनाना था उसमें इंडिया के भी यूज़ करने थे और बाहर कंट्रीज के इंक्लूड करने थे तो सबसे पहला क्वेश्चन है दस इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स यानी कि जल संधि या जल संयोगी के नाम बताइए दुनिया भर में और उनकी लोकेशन भी लिखिए दूसरा क्वेश्चन है इंडिया से दूसरी कंट्रीज़ को कनेक्ट करने वाले स्ट्रेट्स या जल संधि जल संयोगियों के नाम बताइए और ये कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है इसमें ये भी लिखिए कि, कि किस किस कंट्री के साथ हम इसको शेयर करते हैं अब तीसरा क्वेश्चन है कि जो डिफ डिफरेंस बताइए स्ट्रेट और पास में जल संयोगी और पास में क्या डिफरेंस होता है और ये किन एरियाज़ में ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं तो इसको आप डिटेल में बनाइए इसके क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो ये एक तरीके से आपका नोट्स भी बन रहे हैं तो याद रखिए कि अगर आपको वाकई में यू पी एस सी ट्वेंटी क्वालिफ़ाई करना है तो थोड़े डिसिप्लिन की ज़रूरत होगी आप मेरे वीडियोज़ के साथ रोज जुड़िए और कोशिश करिए कि आपको जो मैंने टॉपिक दिए हैं वो आप नोट्स उनके कंप्लीट कर लें इसीलिए कभी कभी मैं एक टॉपिक को दो दिन भी देती हूँ क्योंकि मुझे पता है वो टॉपिक थोड़ा लंबा होता है लेकिन आप अगर साथ साथ करते चलेंगे तो बहुत सारा एक साथ काम इकट्ठा नहीं होगा और आपको परेशानी नहीं होगी और जो मैं होमवर्क दे रही हूँ जो क्वेश्चंस बता रही हूँ तो मैं चाहूँगी कि आप मेरा ई मेल नोट कर लीजिए एडमिन और कहीं आपको क्वेश्चन मेकिंग में कुछ प्रॉब्लम लगती है या समझ में नहीं आता है तो आप मुझे अपने क्वेश्चन आंसर्स के फोटो वहां पर अपलोड करके भेजिए ताकि मैं देख सकूं कि आप क्या गलती कर रहे हैं और मैं आगे के वीडियोस में ऑफ एंड ऑन एक आध लोगों के नोट मेकिंग और आंसर मेकिंग को दिखाऊंगी और उसको सही करूँगी कि ये ठीक है नहीं है इसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं लाती हूँ बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियोज फॉर यूपीएससी आई